एंड सिर्फ न्यू ही नहीं कई बार ऐसे होते हैं जिनको यार हम उस वक्त के लिए तो पढ़ लेते हैं जो रिलेटिवली हमें टफ लगते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन उसे बार बार रिवाइज नहीं कर पाते द की इज मल्टीपल रिविजन एट दिस टाइम एंड स्पेशली इन मैथ काइंड ऑफ क्वेश्चन द आइडिया इज कि क्विकली से थ्योरी को रिवाइज करके हमें मैक्सिमम एंड इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है टाइमर के साथ जिसके अंदर आपको मेरी ये सीरीज हंड्रेड मिनट्स का डेली डोज लिटरली हेल्प करती है क्योंकि हर एक चैप्टर आप इसको जाके टू एक्स पे देखो आप फटाफट से थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो एंड यू गेट टू डू द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन विच आर टारगेटिंग जनवरी 2023, 22 एंड बैकवर्ड्स इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल रही है रेगुलर डी फॉर ईच एंड एवरी सेशन तो आप ग्रुप को ज्वाइन करते हो फाइल सेक्शन के अंडर यू विल फाइंड बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे डी पी विद अलॉन्ग विद्यूशंस प्लीज रिमेंबर द काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मैथ तो वरिंग विल नॉट हेल्प ठीक है परेशान होने से कुछ नहीं होगा द प्रैक्टिस इज ओनली वे अराउंड इट ऑल्सो जब आप मॉक पेपर दे रहे हो तो राधा दिन ऑन द स्कोर यू है पेपर कियर कैसे आप नंबर ज्यादा बना सकते थे इन शॉर्ट स्पेशली इन मैथ क्वेश्चन सिलेक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लिटरली तेरह से पंद्रह सवाल भी अगर जिन बच्चों ने करेक्ट कर लिए जनवरी अटेम्प में दे कुर क्लब इन मैथ एंड इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेइंग अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी एंशियसनेस नेगेटिव पीपल और हाँ जो अब मार्केट में रायता फैलने वाला है कीपिंग इन माइंड की सिटी इंटीमेशन आ गई आपका एडमिट कार्ड कब आया तो प्लीज इन न्यूज़ से दूर रहिए यू नो ऑन दिस चैनल यू विल गेट हंड्रेड परसेंट ऑफिशियल न्यूज़ वेन इट कम्स आइडिया इज़ जब आप पेपर करके आ रहे हो तो यू शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार जितना आता था उतना मैं प्रोड्यूस कर पाई और राइट इसके साथ साथ देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कमिंग टू बहुत रेलिवेंट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप जेई मेन के पेपर में लगा सकते हो एंड लिटरली आपको पी वाई क्यूज दिखाने वाली हूं तरीके सिखाने वाली हूं तो स्टे यून फॉर दैट एंड चेक आउट द पिंड कॉमेंट तैयारी पूरे ढंग से करते रहिए ऑल द बेस्ट एंड आगे किस तरह के सेशंस चाहते हो डू लेट मी नो क्विकली इन द कमेंट सेक्शन